सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन। आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्या LIC एजेंट म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्या उन्हें एग्जाम क्लियर करना है या नहीं करना है, या फिर कौन सी प्रोसेस है। तो सारी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेट आपको फ्यूचर में मिलते रहे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि LIC एजेंट म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो LIC एजेंट रहते हैं बिल्कुल म्यूचुअल फंड एजेंट बन सकते हैं। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस वही आपको सेम प्रोसेस करना रहेगा जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जब म्यूचुअल फंड एजेंट बनता है तब। तो प्रोसेस इसमें मैं आपको बताया, तो आपको NISM के एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको ARN कार्ड मिलेगा, उसके बाद आपको AMC से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कैंप्स के सेंटर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो कि हमने एक वीडियो में कंप्लीट इस पे बात कर ली है, तो आप बिल्कुल बन सकते हो। और एक चीज मैं कुछ अपनी तरफ से भी बोलना चाहूंगा, अगर आप LIC एजेंट है तो मैं चाहता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड एजेंट बिल्कुल बनना चाहिए यार, क्योंकि अभी जो टाइम आ रहा है ना, वो एकदम म्यूचुअल फंड एजेंट के आ रहा। आपको जो कस्टमर को म्यूचुअल फंड लेना है, आप उसको LIC नहीं दे सकते, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कस्टमर के हिसाब से उसको फंड दे सकते हैं। जो LIC ले रहा है उसको LIC दीजिए, जो म्यूचुअल फंड लेना चाहता है उसको म्यूचुअल फंड दीजिए। फिर कई बार मैंने देखा है कि जो LIC के एजेंट रहते हैं काफी मेहनत करते हैं कि यार, मतलब म्यूचुअल फंड जो खरीदता है उसको LIC देने के लिए, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि जब एक बार कस्टमर मन बना लेता है ना, तो फिर उसको कंफ्यूज करना ही रह जाता है हाथ में, फिर वो ना LIC लेता है ना म्यूचुअल फंड लेता है। तो इसलिए आप सभी को ये करना चाहिए, कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, 5,000 के अंदर अंदर आपका प्योर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।